नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। देश की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, 75वां अमृत महोत्सव। और राजधानी लखनऊ में 75 दिनों से यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी जो है वो धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग लगातार वो अपने माध्यम से बताते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं दिख रही। 75 दिन में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आया तो, लेकिन इनकी बात शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अभी भी नहीं पहुंच पाई। आइए जानते हैं, फिर से बात करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम हृदय नारायण है और मैं बलिया से आया हूं इस धरने को सफल बनाने के लिए। जी, हमारी मांग यही है कि सरकार, एक तो 5-6 साल बाद हम लोग का पेपर हुआ है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं सर। उसके बाद रिजल्ट देने में, पेपर होने के बावजूद भी रिजल्ट देने में, रिजल्ट आने का हम लोग का कोई चांस नहीं। लगभग साल भर होने वाला है और कुछ पेपर का तो हो भी चुका है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट दे कम से कम। हम लोग बेरोजगार इतने दिन से हताहत, और मतलब एकदम सर हमारी अब ये बताएं कि हम लोग की जीने की इच्छा भी नहीं रहती है कि हम ये राज में भर्ती निकली थी। जी जी जी, इन्हीं के राज में निकली थी। एक भर्ती अखिल माननीय अखिलेश जो है उनके राज्य में निकली थी 2016 में। दोनों में से किसी में भर्ती हो नहीं पाई? जी, अभी तक नियुक्ति नहीं, अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया। एक का रिजल्ट आया है तो उसका अभी मतलब अभी ना कोई डीवी कराया गया है और ना ही मतलब उसका फाइनल हुआ है अभी तक वो भर्ती। और 2018 का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं हुआ है सर। जहाँ से रिजल्ट जारी होना है वो विभाग क्या बोलता है, क्या जवाब देता है? जी, जाने पे तो बोलते हैं कि नहीं, आप लोग को मार्च में देंगे, अप्रैल में देंगे। लेकिन सर दिए तो हैं, 16 का दिए हैं, लेकिन अभी तक उसको बस एक जैसे लॉलीपॉप थमा दिया जाए, बस ऐसे है। तो योगी जी कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है, उत्तर प्रदेश में लाखों रोजगार मिला है, लेकिन पुरानी भर्तियों पर रिजल्ट तक नहीं आ पाए। जी जी जी, सर हम यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट आए, कम से कम हम लोग बेरोजगार युवा। इसमें सर 1,19,000-20,000 के करीब विद्यार्थी हैं, मतलब 2018 वाले में 1,20,000 अभ्यर्थी हैं। मतलब सरकार के दावे हैं कि उन्होंने लाखों रोजगार उत्तर प्रदेश में दे दिया है। अगर रोजगार दे दिया है तो पिछले 75 दिनों से ये सभी युवा धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाशंकर वर्मा है। रमाशंकर जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री के जो दावे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है, लेकिन पुरानी जो परीक्षाएं हुई थी उसका परिणाम नहीं आ पाया, जिसके लिए आप लोग बैठे हैं, तो अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और आप लोग देख रहे होंगे 26 नवंबर से हमारा धरना चल रहा है, जो कि आज 75 दिन हो गए हैं। और भर्ती हमारी 2016 में एक आई थी, एक 2018 में आई थी, जिसमें अभी तक सिर्फ 2016 का रिजल्ट जारी हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सरकार जो भी दावे कर रही है, लेकिन वो दावा अभी तक हकीकत में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा हम लोगों का। क्या नाम है? सर मेरा नाम दिनेश चौहान है। जी सर, क्या कहना चाहोगे योगी जी? सर मैं ये रोजगार दे चुके हैं आप लोगों को। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरा 6 साल हो गया फॉर्म भरे हुए और पेपर हुए आज 1 साल हो गए और रिजल्ट आया 1 महीने अभी जल्द जस्ट आया है, फिर भी उसका मतलब अभी डीबी के लिए कोई सूचना ही नहीं जारी हो रही है। मैं आयोग से ये चाहूँगा कि मेरा जल्द से जल्द डीबी कराए और नियुक्ति पत्र सभी बच्चों को दिया जाए, कि सब लोग हताश बैठे हुए हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं, नियुक्ति पत्र आ जाएगा? रिजल्ट अभी मतलब रिजल्ट आया है 16 का, लेकिन उसका डीबी भी कुछ डीबी भी नहीं हुआ है। डीबी के बाद फिर रिजल्ट जारी होगा, फिर उसके बाद तब मतलब कर नहीं रिजल्ट आ रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या है इसमें गलत सर्विस रिजल्ट बन गया है क्या? नहीं सर, फाइनल नहीं बना, नहीं अभी वो मतलब दोगुना लड़कों को बुलाया गया है, उसके बाद फिर डीबी होगा, उसमें से फिर वो होगा, तब जाकर फाइनल कट ऑफ बनेगी उसकी, तब बच्चों को बुलाया जाएगा, तब उसका फाइनल प्रक्रिया पूरी होगी। आप बताओ आप लोग कहाँ से हो? जी सर नमस्कार, हम राजेंद्र कुमार भारतीय इलाहाबाद से आए हैं सर। यहाँ पे हमारा धरना यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर। गंगा नगरी से आए हुए? जी गंगा नगरी से चल के। जी बड़े धार्मिक हैं, लेकिन युवाओं पे ध्यान नहीं जा रहा है? नहीं, उनका सिर्फ पूजा पाठ मठ इसी सब में व्यस्त रहते हैं। क्या करना चाहिए उनको, मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि मठ में जाना चाहिए? मुख्यमंत्री हैं ठीक है, लेकिन हम छात्रों को जी काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग स्टूडेंट हैं। मतलब नहीं है इससे? सर है क्यों नहीं, लेकिन हम लोग को तो मेन मुद्दा है सर, हम पहले हम अपनी बेरोजगारी दूर करें। ये बात तो ठीक है, लेकिन सरकार तो यही दावे कर रही है कि उन्होंने रोजगार दे दिया है। जी दे दिया, जब तक हमको अभी दे दिया तो हम लोग बैठे क्यों हैं यहाँ पे? अगर मिलता तो कि मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं ना? जी अभी प्रदेश जी हम लोग को अभी प्रदेश से या मुख्यमंत्री से नहीं, हम 5 साल से देख रहे हैं, हम लोग को कोई रोजगार नहीं दिया है,
अभी तक हम लोग बेरोजगार पड़े हैं। 2016 की वैकेंसियाँ थी उसको भी करीब 7-8 साल बीत गए, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट दिए भी 7 साल बाद तो अभी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, डीबी भी नहीं करवा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग कहाँ से करवाएंगे? बस 2018 का रिजल्ट आना चाहिए सर, बस हम लोग का रिजल्ट। 16 का रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग हो गई? नहीं, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 16 में रिजल्ट आ चुका है, उसकी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई। नहीं हुई। 18 का रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग हो पाएगी, उम्मीद है? नहीं, अभी रिजल्ट हम लोग बस उसी के लिए बैठे कि 18 का भी रिजल्ट आए। तो कब तक बैठे रहेंगे? अब जब तक नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। घर परिवार वाले नहीं पूछते हैं कि कहाँ हो? बेरोजगारी है तो पूछेंगे कहाँ से? घर वाले भूल गए आप लोग? भूले के उन लोगों का बच्चा है तो कहाँ से? स्टेशन पर बसेरा पर आते हैं, स्टेशन पर आते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं यहाँ रात में, और सुबह फिर यहाँ 10 बजे धर राघवेंद्र कुमार भारती, ओम प्रकाश भारती। तो यहाँ पर तमाम लोग धरना देने आते हैं कि शायद प्रदेश सरकार का ध्यान उन पर जाए, लेकिन UP SSC JEE भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 75 दिनों से इस आस में बैठे हैं कि सरकार शायद इनकी बात सुन ले। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने तमाम रोजगार दिए, तमाम रोजगार के अवसर खोले, 2016 के परिणाम भी आ गए, लेकिन उनमें अभी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, जिसको लेकर ये सभी अभ्यर्थी पिछले 75 दिनों से धरना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पर विश्वास भी जता रहे हैं और कहीं ना कहीं हताश भी हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आखिर कौन दोषी है इन भर्तियों का, इन परिणामों का, जो रिजल्ट आने हैं उनमें आखिर कौन अधिकारी लिप्त है, आखिर क्या ऐसी जांच है जो सरकार नहीं करा पा रही? सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखन।